अब ये सफलता क्यों मिली? सफलता इसलिए मिली क्योंकि मोदी केयर आईडीएससी की कंपनी है, थी, है और रहेगी। अगर मोदी केयर ही नहीं रहेगी तो सफलता कहां से मिलेगी? इसलिए मिली क्योंकि मेरे पे फेथ है, ट्रस्ट है। डायरेक्ट सेलिंग में एक बार समझ लो, अपना इनके साथ बैठ जाओ, जैसे आज भी कई लोग हैं वो ये समझ के जाएंगे कि यस इससे बढ़िया कोई बिजनेस है ही नहीं। मैंने जॉब भी करके देखा है, मैंने बिजनेस भी करके देखा है, मैंने इंश्योरेंस भी करके देखा है, मुझे हर जगह मालूम है कि लीनियर इनकम ही मिलती है। जब तक कि बहुत बड़ा बिजनेस नहीं हो, करोड़ों अरबों रुपए मेरे पास है नहीं है, मुझे फेथ है, इस ट्रस्ट विश्वास है। और विश्वास वो चीज़ है जो आपको, आप यहाँ पर अगर आज किसी वजह से NQD बनकर भी आए हो, हम तो चाहते हैं सिर्फ डायरेक्टर आए यहाँ पर, लेकिन अगर NQD बनकर भी आए हो, मुझे पूरा विश्वास है 2025 या 26 आप यहाँ पर डायमंड बनकर आओगे। मुझे तो फेथ है। अगर आपको फेथ है तो आप आ जाओगे। फेथ किस पर करना है? फेथ सबसे ज्यादा करना है भगवान पर। आज फरीदाबाद की पॉपुलेशन करीबन करीबन 40 लाख है, यहां 400 लोग हैं, तो 400 लोगों किसने भेजे? भगवान ने भेजे। मौका तो हर एक को मिला। हम रोज प्रमोशन कर रहे हैं, रोज बता रहे हैं कि डायरेक्टर टू डायमंड में आ जाओ। और दिसंबर से ये सीरीज चल रही है। सिर्फ 400 लोग क्यों है, 4000 लोग क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान चाहते थे कि आपकी लाइफ चेंज हो। ट्रस्ट कर रहे हैं? है फेथ? भगवान पर फेथ करिए, अपने आप पर फेथ करिए, अपने अपलाइन पर फेथ कीजिए, प्रोडक्ट्स पर फेथ कीजिए, समीर सर पर फेथ कीजिए, इस कंपनी पर फेथ कीजिए। बहुत कुछ है जिससे आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, बस फेथ आपको रखना है। ऐसी मैनेजमेंट, आज भी मैनेजमेंट के हमारे नॉर्थ इंडिया के हेड आ रहे हैं दुष्यंत जी, तो बहुत कुछ सिखा कर जाएंगे आज। एक चीज याद रखिएगा, इफ्स एंड बट्स को ना यहीं खत्म करके जाइएगा, नहीं करना मत करो, लेकिन आज के बाद किसी के सामने ये मत बोलिएगा कि मोदी केयर में कामयाबी नहीं मिलती। कितने कामयाब लोग यहां पर मिल रहे हैं, ये मत बोलिएगा मोदी केयर मत किया अगर बेकार है, मत करो, आपने नहीं करना मत करो। आप यूजर हैं, यूजर रहना चाह रहे हैं, सिर्फ लॉयल्टी करते रहो, यूजर भी नहीं बनना मत बनो। किसी के सामने नेगेटिव मत बोलना, क्योंकि ये बहुत नोबल बिजनेस है और लाखों करोड़ों लोग अपनी जिंदगियां चेंज कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग। उनकी होप मत छोड़िएगा, तोड़िएगा मत होप उनकी। तो कंपनी का मिशन, विजन सब कुछ बढ़िया है, वैल्यू बहुत शानदार है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आज अगर यहां से ये सोचकर जाइएगा कि मोदी केयर बिल्ड करना है, तो भैया अपलाइन के साथ दोबारा बैठ जाइएगा, पूरी प्लानिंग कर लीजिए, अपना गोल सेट कीजिए और रोज एक एक कदम आगे बढ़ना है। जब आप रोज एक एक कदम आगे बढ़ेंगे ना, याद रखिएगा कि यहाँ से अम्बाला जाना हो, चंडीगढ़ जाना हो, अमृतसर जाना हो या मुंबई जाना हो, पैदल भी जा सकते हैं, बस आप में विश्वास होना चाहिए कि हम सही रास्ते पर हैं। ओके, देखिए कितनी कंपनीज हैं भारत के अंदर जो सेटिस्फेक्शन गारंटी देती है। हमारे समीर जी तो हर प्रोडक्ट के अंदर सेटिस्फेक्शन गारंटी देते हैं, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं हमारे पास, और सबसे अच्छी बात है कि प्रोडक्ट का प्राइस बिल्कुल सही है। नहीं तो बहुत सारी कंपनीज अच्छे प्रोडक्ट देती है भारत के अंदर, लेकिन उनका प्राइस इतना ज़्यादा होता है कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता। न्यू लॉन्च हर समय हमारे को मिलते हैं, ये डाइट एंड डायबिटिक के लिए चावल आ चुके हैं, हमारे पास घी आ चुका है, और हमारे पास बहुत सारे डेली यूज़ के प्रोडक्ट हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं। तो क्या आपको प्रोडक्ट पे भरोसा है? लेते हैं? अपने मोबाइल में झांक कर देखिए, आपने 100 PV कर ली है? हाँ, देखो 4, 6, 8, 10, 20, 25, 30, 40, 50 लोगों ने कर लिया, 350 लोगों ने तो अभी भी नहीं किया है ना। भरोसा है? भरोसा है तो शुरू में ही ऑर्डर डलते हैं। मेरे को क्यों सफलता मिली? क्योंकि मेरा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहा है। मेरे को दत्ता साहब, एक मिनट आइएगा, दत्ता साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, कब से जानते हैं? मेरे को जहाँ तक याद है 20 साल से तो हम दोस्त हैं ही हैं, ऐसा ही है ना, 2000 से, तो 24 साल से हम दोस्त हैं, 24 साल से। सच सच बताओ, जब आप मोदी केयर में आए थे आज से 12 साल पहले, जब अक्षय को मेरे को मिलवाया था, सच सच बताओ, मैं हमेशा परेशान रहता था? नहीं, परेशान कभी नहीं देखा मेरे ऊपर। मैंने दत्ता साहब को नहीं बताया था उस समय, मेरे ऊपर उस समय करोड़ों का उधार था। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं अपनी टीम में जिनके ऊपर 50,000, 1,00,000, 2,00,000 रुपए का उधार होता है, और रोते रहेंगे अपलाइन डाउनलाइन, हर एक बंदे को, मैं तो मर गया, मैं तो पिट गया, मेरे साथ तो पता नहीं क्या हो गया, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, भगवान ने मेरे साथ ही क्यों किया।
हमेशा मैं एनर्जी के साथ रहता था, 100% था, मैं जब भी आपसे मिलता था पॉजिटिव वे में मिलता था। बिल्कुल। और यही रीजन है कि इनका विश्वास जगा, इनका विश्वास जगा तो अक्षय का विश्वास जगा। अगर मैं इनके सामने रोता रहता, पता है क्या सोचते, मोदी केयर में आकर इन्होंने क्या कमा लिया। रोते तो रहते हैं, तो फिर मुझे दत्ता साहब और अक्षय और दिग्विजय मिलते। हमेशा पॉजिटिव रहो, पता नहीं कौन व्यक्ति आपको देखकर आपके साथ ज्वाइन करके डायमंड बन जाए। थैंक यू वेरी मच सर। माइंडसेट बना लो कि मुझे ये बिजनेस को टॉप तक लेकर जाना है। अपने माइंडसेट को चेंज करोगे ना, जिंदगी चेंज हो जाएगी। अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को रखोगे, जिंदगी चेंज हो जाएगी। और गोल को बिल्कुल क्लियर रखो। मैं कई बार गिरा हूं, हर बार खड़ा हुआ हूं गोल के कारण। कई बार मेरे को लोगों ने मना किया, मैं वापस खड़ा होकर प्लान दिखाता था गोल के कारण। कई बार दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच प्लान में मेरे को ना मिलती थी, मेरा मजाक उड़ाया जाता था। मैं घर आकर अपनी वाइफ, अपने बेटे, अपनी बिटिया, अपने मम्मी के साथ बैठकर उनकी आंखों में आंखें डालता था, फिर गोल याद रखता था, फिर देखता था कि इनके सपने पूरे नहीं हुए, फिर अपने गोल के ऊपर नजर मैं देखता था। मैंने पहले दिन ही, जो अभी कुलदीप सर ने कहा कि गोल को अपने सामने रखो, पहले दिन ही विजन बोर्ड बना लिया था, पहले दिन ही उसमें लिख दिया था 1 साल में 1 लाख, 5 साल में 5 लाख, 10 साल में 25 लाख। 1 साल में 1 लाख तो नहीं आया था, 9 महीने में आ गया था। 5 साल में 5 लाख तो नहीं आया था, 6,83,000 हो गया था, क्योंकि क्लियर गोल था। हाँ, बीच में लॉकडाउन आ गया, बीच में उथल पुथल हो गई, तो 25 लाख आज भी नहीं आया, लेकिन 2025 में पक्का आएगा। और ये सब इसलिए सफलता मिली क्योंकि मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ। कितना प्यार करता हूँ बताऊँ? मुझे गाना गाना नहीं आता, फिर भी मैं गाना गा के दिखाता हूँ। सुनाऊँ? रुक जा ओ जाने वाली रुक जा, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। देखो मैं प्यार करता हूँ उससे। 400 लोगों के सामने गाना गा दिया, तो जा रही थी ना, कह रही मलिक जी को तो रोज सुनती हूँ, आज क्या सुनना, चलो। वैसे ये मीटिंग में मेरे को सुनती है, घर में मैं ही सुनता हूँ, वो घर घर की कहानी है। लेकिन चैलेंजेस आए, ये नहीं है कि आसानी से सफलता मिल गई, बहुत चैलेंजेस आए। जिसकी भी सफलता बड़ी होगी, जो भी व्यक्ति डायमंड, ब्लैक डायमंड, रेड डायमंड, GRDD होगा, याद रखिएगा उनके चैलेंजेस बाकियों से ज्यादा होंगे। चैलेंजेस तो आने ही आने हैं। पहले होता है एक्साइटमेंट, हम खुश होकर अरे डायमंड, ज्वाइन करते ही लगता है डायमंड, पहला टारगेट ही लिया जाता है डायमंड। लेकिन क्या होता है, चैलेंजेस आते हैं जब फील्ड में जाते हैं, चैलेंजेस आते हैं जब हम लोगों से मिलते हैं। तो चैलेंजेस मेरे को भी बहुत सारे मिले, आपको पता है या नहीं पता, मैं आपको बता दूं, जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय स्मार्टफोन नहीं होता था, उस समय व्हाट्सअप नहीं होता था। अब कितने सारे काम तो हमारे व्हाट्सअप से हो जाते हैं, कितने सारे तो हमारे मैसेज व्हाट्सअप में चले जाते हैं, जो लोग देखते हैं और उनको पता चल जाता है मीटिंग है, ट्रेनिंग है, सेमिनार है, कुछ व्हाट्सअप में मोटिवेशनल डाल देते हैं। पहले क्या डालते, कुछ भी नहीं। पहले हमारे ऑफिस कैसे हुआ करते थे, देखिए 15 लोगों का ट्रेनिंग हॉल था, 15 लोगों का, 15 लोगों में भर जाता था, ये हमारे ट्रेनिंग हॉल हुआ करते थे। मोदी केयर के पास सिर्फ 150 प्रोडक्ट थे। और अब मजेदार बात, अभी हम मिले हैं, किन से मिले हैं पिछले महीने, प्रमोद आचार्य जी से। प्रमोद आचार्य जी ने जब ज्वाइन किया था मोदी केयर, तब 8 प्रोडक्ट थे, 8। सोचिए उनका विश्वास का स्तर। जब सुरेखा मैम ने किया था 8 प्रोडक्ट थे, सोचिए कितना बड़ा उनका सोच होगी, कितनी बड़ी सोच होगी। 8 प्रोडक्ट में हम, ये कोई प्रोडक्ट है, इसमें मोदी केयर चल जाएगी, मैं तो नहीं करता। विजन उन्होंने देखा था मोदी केयर के मालिक का, मोदी केयर की कंपनी की मैनेजमेंट का, तभी उन्होंने विश्वास किया था। हमारे टाइम पे 150 प्रोडक्ट थे, आज 800 प्रोडक्ट हैं, और नवंबर में कुछ और होने वाला है, बता दूं नवंबर में, ठीक है। तो बहुत बार ना डाउनफॉल आता था, डाउनफॉल। मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई है ना कि मेरा चेक 4,875, 25,000, 31,000, 33,000, 42,000, 51,000, 62,000 और 1 लाख, 9 महीने में 1 लाख का हो गया। तब सुनाई है, नहीं सुनाई, उससे आगे की स्टोरी सुनाता हूँ। अब मेरा गोल था 2 लाख रुपए पहुंचना। हर बंदा जो 1 लाख कमाता है वो 2 लाख के बारे में सोचेगा या नहीं सोचेगा? और मेरा चेक बढ़ते 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 की जगह घटते 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 19,000 रुपये आ गया था। कितना आ गया था, ये भी चैलेंज आया था मेरे से। हम में से किसी का चेक अगर 10% 20% गिर जाता है, बेकार है मोदी केयर, मैं तो छोड़ रहा हूँ। पहले आ रहा था 20,000, अब हो गया 13,000, हाय राम, ये तो बेकार है, ये तो ऐसे ही नीचे गया तो मेरा तो जीरो हो जाएगा।
और कई लोग तो लाख रुपए कमा रहे हैं, पहले 1.5 लाख कमा रहे थे, अब लाख कमा रहे हैं, रो रहे हैं। पहले तो 1.5 लाख था, और कई लोग पता क्या कहते हैं, मैं तो 3 साल से कर रहा हूं, मतलब उसका चेक मान लो 10,000 है, 50,000 है, कुछ भी है, 3 साल से कर रहा हूं, मीटिंग में कोई नहीं दिखेंगे, ट्रेनिंग में कोई नहीं देखेंगे, एक चीज है कि मैंने ज्वाइन कब किया था, उसके बीच में कितनी बार विश्वास मेरा डगमगाया था, डगमगाया, कभी हाँ कर लेता हूं, कभी छोड़ देता हूं, कभी कर लेता हूं, कभी छोड़ देता हूं, फिर क्या बताना कि 3 साल। पता है ये बिजनेस 2 बार शुरू होता है, पहली बार जब हम ज्वाइन करते हैं, दूसरी बार जिस दिन कमिटमेंट लेते हैं कि भैया कुछ भी हो जाए मोदी केयर बिल्ड करना है, जिस दिन आपने वो कमिटमेंट कर दी और उसके बाद नहीं रुके, वो आपकी असली शुरुआत है। उस दिन के बाद बताइएगा कि कितने टाइम के अंदर आप डायमंड बने। मैं लिख कर दे सकता हूं, अगर कमिटमेंट आज भी करके जाओगे ना आज कि मैंने 1000 दिन के अंदर डायमंड बनना है, चाहे आज पहला दिन है आपका, आप बन जाओगे अगर कमिटमेंट कर दी और उसके बाद रुके नहीं तो। नहीं तो कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, ये चैलेंजेस आपके पास नहीं है। अभी हर महीने नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, पहले ऑफिस एक बारी ऑफिस के अंदर जाकर तो देखते, मोतीलाल जी ने देखे, जयपुर का ऑफिस था ही नहीं, था या नहीं था, और जो पहला ऑफिस आया उसके ट्रेनिंग हॉल के अंदर पीछे क्या थे, डब्बे, फरीदाबाद के ऑफिस में डब्बे, राजौरी गार्डन के ऑफिस में डब्बे, मतलब 15 लोगों का वैसे हॉल है, 5 तो कुर्सियां वैसे खत्म क्योंकि पीछे डब्बे लगे हुए। ये हमारे ऑफिस हुआ करते थे, एसी हम फरीदाबाद की मीटिंग के अंदर एसी बंद करते थे क्योंकि आवाज आती थी घर घर घर, हम कहते मीटिंग कैसे करें, चलो एसी बंद, पसीने आ रहे हैं मीटिंग कर रहे हैं, एसी ऑन करेंगे तो आवाज ही नहीं आएगी। तो ये तो हमारा शुरुआत थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे, लॉकडाउन आ गया, प्रीवियस फेलियर, मेरे को तो बहुत सारे अपनों ने एक ही बात कही, यार तू फिर नेटवर्किंग ले आया, एक बार फिर तू तैयारी कर रहा है फेल होने की, इतने मजाक उड़ाए गए थे मेरे मैं बता नहीं सकता। एक दिन तो मेरी मम्मी बहुत उदास, घर में अंकल आए हुए थे, लंच वंच किया, मेरे से कहते हैं बेटा तू ठीक कर रहा है ना, मैंने कहा हाँ ठीक कर रहा हूँ, तब मेरी ज्यादा इनकम नहीं थी, मोदी केयर में था, मैंने कहा क्या हुआ, कहने कुछ नहीं, तेरी ये कंपनी सही रहेगी ना, मैंने कहा बिल्कुल सही रहेगी, कामयाब हो जाएगा, बेटर है नौकरी कर ले, मैंने कहा अंकल ने कुछ कहा, उतने में अंकल आ गए दूसरे कमरे से, कह रहे हाँ मैंने ही कहा, कह रहे मैं तेरी नौकरी लगवा देता हूँ, मैंने कहा नहीं करनी, उन्होंने मुझे 1 घंटा समझाया, जब मेरे अंकल या मेरे कोई अपने खास बंदे मुझे सुनाते थे ना, मेरे में पेशेंस था, मैं सुनता था, यहाँ से सुनता था, यहाँ से निकालता था, जिस चीज़ से मेरा फ्यूचर ही नहीं है मैं क्यों सुनूं, हाँ टाइम देना है क्योंकि मैंने रिस्पेक्ट करनी है उनकी, यहाँ से सुनता था यहाँ से निकालता था। अब ये बात यहाँ मत करना कि अपलाइन कह रहे हैं यहाँ से सुनो और यहाँ से निकालो, ऐसे नहीं, अपलाइन की बात तो दोनों कानों से सुनो और यहाँ रख लो, और ऊपर हेलमेट पहना लो, वो हेलमेट जो बाहर से जो तीर आएगा ना, तीर को बाहर तोड़ के बाहर फेंक दे, तो अंकल मुझे समझाते रहे, कोई बात नहीं, उसके बाद चले गए, मैंने मम्मी को बड़े प्यार से समझाया, मैंने कहा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि आप रिटायर्ड टीचर हो, आपके पास हर महीने की पेंशन आ रही है, फ्यूचर में आप मुझसे कभी भी पैसा नहीं मांगोगे मुझे मालूम है, लेकिन मैं चाहता हूं मैं आपको पूरी दुनिया दिखाऊं, मैं हर तीर्थ स्थान पे ले जाऊं, जैसे अभी मैंने बताया पिछले हफ्ते हम कहां गए थे, तो जहां जहां मेरी मम्मी की इच्छा होगी मैं हर जगह लेकर जाना चाहता हूं। मैंने कहा ये मोदी केयर इसलिए कर रहा हूं कि मुझे भी टाइम फ्रीडम मिले और इतना पैसा मिले कि आप सिर्फ बोलो मैं ना लेकर जाऊं तब बताना। तो मैं उस समय घबराया नहीं, मैंने अंकल का कोई ज्यादा जवाब नहीं दिया, लेकिन 2 साल बाद उनका फोन आया कि बेटा ये दूसरी बार फॉरन होकर आया, मैं सिंगापुर होकर आया था, मैंने कहा नहीं चौथी बार, कह रहे हैं ये कार उस समय मेरे पास टोयोटा ETO's मिल चुकी थी मोदी केयर से, उन्होंने मेरे से पूछा कि ये गाड़ी मोदी केयर से मिली है, मैंने कहा पता तो है अंकल आपको मोदी केयर से मिली है, कह रहे क्या किया था, मैंने कहा फॉर्म भरा, उस समय फॉर्म भरा करते थे, मैंने कहा था मैंने फॉर्म भरा था, मुझे मेरे अंकल कहते हैं मेरा भी भर दे, वही अंकल जो मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मैंने वो कह रहे थे मेरा भी भर दे, ये मेरे दोस्त इधर आओ फयाज, ये मेरे दोस्त, ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, इनसे भी दोस्ती मेरे ख्याल 20 साल से ज़्यादा पुरानी है, 20 साल से ज़्यादा पुरानी है, मैंने कहा ये तो मेरे साथ ज़रूर आएगा ज़रूर, मैं इनके पास जाता था मारुति एस्टीम CNG भरवा कर, ये अपनी मर्सिडीज़ पर आ जाते थे क्योंकि ये बिल्डर भी थे और इन्होंने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी खोल लिया था, मैं फिर जाता था ये फॉर्चूनर लेकर आ जाते, मैंने कहा कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं,
मुझे खुद अपने आप पे शर्म आने लगी, यार मेरे से एज में छोटे हैं मेरे दोस्त हैं और इतनी तरक्की करके मैं वहीं का वहीं रह गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये मेरी टीम में ज़रूर आएंगे। कितने साल, छः साल तक मैं इनके ऊपर ना इन्वेस्ट करता रहा, टिकट देकर आता था, ये आते नहीं थे। मैं फिर टिकट देकर आता था, कभी 100 रुपये की, कभी 200 रुपये की, कभी फुल डे की 1000 रुपये की। मैं इन्वेस्टमेंट करने में कभी नहीं घबराता, क्योंकि जो बिजनेसमैन है ना वो यहाँ से ना पक्का होता है कि भैया मुझे काम कंजूसी से करना ही नहीं है। कंजूसी से करने वाले पीछे रह जाते हैं। कई लोग सोचते हैं ना हम तो किसी को टिकट नहीं देते फिर भी लाख कमा रहे हैं। सच ये है कि आप 5 लाख के लायक हो। अगर 5 लाख कमा रहे हो तो आप 10 लाख के लायक हो। मैं इन पे टिकट देता रहा, और एक दिन ये आ गए, दिल्ली में फंक्शन था, ये आ गए और वाइफ को लेकर आ गए। बस उसके बाद हमारे हो गए। आज मोदी केयर से कोई कार ली है, नहीं ली है? दो गाड़ियां ले, मोदी केयर से दो गाड़ियां ले चुके हैं, विदेश जा चुके हैं, दो बार विदेश घूम कर आ चुके हैं। अब मुझे इतनी टिकट देने पर अगर एक फ्याज मिल जाए मैं तो 100 टिकट और दे दूं। लेकिन शुरू में तो मेरे को रिजेक्शंस मिली ना, तो रिजेक्शन से घबराना नहीं है, चैलेंजेस बहुत आएंगे। एक चीज समझ लीजिए, वो क्या समझना है कि भैया हर महीने की एक ज्वाइनिंग तो लानी है। मैं तो कहूंगा हर 20 तारीख तक 2 ज्वाइनिंग लाओ, लेकिन एक लानी है। अगर एक भी ले आए और 2 महीने छुट्टी भी कर ली तो भी 1 साल के अंदर 10 की टीम बन गई। जबकि आप चाहो शुरू में तो रोज एक ला सकते हो। आपको पता है मैं पहले दिन कितने लोगों से मिला? 11। कितनी ज्वाइनिंग ली? 11 की 11। एक भी नहीं छोड़ी थी मैंने, क्योंकि सारे खास थे। मैं लिस्ट बनाता हूँ तो बड़ी समझदारी से कि जो हाँ जल्दी करता है उसे तो ले आओ। वो टिकेगा नहीं टिकेगा पहले क्यों सोचे? पहले ये है कि भैया ज्वाइनिंग कराओ, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेरे को लगेगा कि हाँ मैं टीम बना सकता हूँ। 10 की टीम हर बंदा 1 साल में बना सकता है, यस के नो? उनको भी सिखाएंगे कि तुम भी 10 की टीम बनाओ, और उनके लिए मीटिंग्स भी होंगी, ट्रेनिंग भी होंगी, सेमिनार भी होंगी। एक दिन आपकी टीम 100+ हो जाएगी। चाहे मैं कह रहा हूँ 2 साल लगाओ, चाहे लगाओ 6 महीने, आपकी चॉइस। कितनी ज्वाइनिंग हो जाएंगी? 100। आपकी 10 ही हैं लेकिन टीम में कितनी हो जाएंगी? 100। एक रूल चलता है जिसे कहते हैं पेरेटो प्रिंसिपल। मेरी एक चीज खासियत है, पॉजिटिव रहने के लिए ना फॉर्मूला ढूंढता रहता हूँ, किताबें पढ़ता रहता हूँ। जितनी भी किताबें पढ़ोगे ना कुछ नया जरूर मिलेगा। तो मुझे मिला पेरेटो प्रिंसिपल। पेरेटो प्रिंसिपल कह रहा है कि पूरी दुनिया के 80% लोग सिर्फ 20% काम करते हैं और 20% लोग 80% काम करते हैं। तो मुझे भी समझ आ गया कि भैया 80 लोग तो छोड़ेंगे। कई लोग सोचते ना अरे उसे ज्वाइन कराया, छोड़ गया। हाँ आपका काम है उसको मिलकर के वो यहाँ पर रहे ताकि उसकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए, लेकिन फिर भी छोड़ गया। तो अगर 100 लोग ज्वाइन करेंगे 80 तो छोड़ेंगे और 20 लोग रहेंगे, क्योंकि 20% लोग 80% बिजनेस करते हैं। ये यहाँ का नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का है। कोई भी इंडस्ट्री अगर 100 लोग काम कर रहे हैं ना, 20 लोग 80% बिजनेस लेकर आएंगे, 80 लोग 20% बिजनेस लेकर आएंगे। 20% की सैलरी 80% होगी, 80% की सैलरी 20% होगी। आप और मैं भी दिन में अगर 10 घंटे काम करते हैं ना, सबसे ज़्यादा काम 20% मतलब 2 घंटे में कर देते हैं, बाकी तो पता नहीं क्या टाइम पास ही करते हैं हम। यस के नो? सबसे ज़्यादा काम हमेशा 20% ही होता है। अपनी ज़िंदगी में 20% काम करना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर 20% रुक जाएंगे, मतलब 100 में से कितने लोग रुक जाएंगे? 100 लोग में से कितने लोग रुक जाएंगे? लेकिन सारे चलेंगे नहीं, 16 लोग होंगे जो यूजर तो बन जाएंगे, लॉयल्टी तो करेंगे, कोई सोपी भी करेगा। कभी चलेंगे कभी नहीं चलेंगे, कभी चलेंगे कभी नहीं चलेंगे। सिर्फ 4 लोग हैं जो बिजनेस बिल्डर होंगे। 20 में से कितने लोग? 80-20 का मतलब है 20 का 80% 16, 20 का 20% 4। तो 4 लोग मिलेंगे बिजनेस बिल्डर और 16 लोग मिलेंगे जो 50-50% फेथ पे, कभी मुझे करना है कभी नहीं करना। कभी मीटिंग में आ जाएंगे, पता कैसे आएंगे? जब आप कहोगे चल तेरे लिए अच्छा है, चल तेरे लिए अच्छा है, क्या पता हाँ कर दे। और ये जो 4 लोग हैं इनको किसी को बोलने की जरूरत नहीं होती, इनके अंदर से आवाज आती है मीटिंग है जाना है, संडे की मीटिंग है जाना है, वीकली मीटिंग है जाना है। उनको पता है कि एक बार समझ लिया कि वीकली मीटिंग से बिजनेस होता है वो करते रहेंगे। उनको पता है D2D में आने के बाद डायमंड बनेंगे तो आते रहेंगे, उनको टिकट बेचनी नहीं पड़ती। वो खुद कहते हैं अच्छा D2D है मेरी टिकट ले ले, मैं ये ले पैसे मेरे। कई लोग तो होते हैं पैसे देने में भी कतराते रहते हैं, वो 16 हैं, कतराते रहते हैं मतलब लास्ट मोमेंट तक पैसा नहीं देंगे। यहां आकर 2000 की टिकट लेंगे, 300 रुपए की छूट भी छोड़ देंगे, क्या पता मैं ना आऊं तो।
मतलब उनके सामने हमेशा डाउट होता है, क्या पता मैं नहीं आया तो मेरा तो वेस्ट हो जाएगा। अरे भैया तू एक बार ही दिल से ले तो सही, और बाकियों के लिए तो एक बार भावना का है। अच्छा बाकियों के लिए भावना है, भावना अपने आप ही आपका नुकसान नहीं होने देगी, ये ध्यान रखना। लेकिन वो चार लोग ही मिलेंगे, और 20 में से चार नहीं, 100 में से चार, 100 में 20 हुए, 20 में से 16 अलग हो गए, चार लोग अलग हो गए। और चार लोग जो बंदे होते हैं ना, वो आगे की टेबल्स पर बैठते हैं, टेबल के साथ में बैठते हैं, मतलब वो प्लेटिनम डायमंड ब्लैक डायमंड बनते हैं। आप 80 में नहीं हो, अगर 80 में होते तो यहां तक पहुंचते नहीं, आप 20 में हो। अब आप अपने आप से पूछो, मेरे से मत पूछो, अपने अपलाइन से भी मत पूछो, अपने आप से पूछो मैं 16 में हूं या 4 में हूं। अगर अभी 16 में है तो सफलता मिलेगी, पता है क्या होगा, डायरेक्टर बन जाएंगे, सफलता मिलेगी, शायद सीनियर डायरेक्टर भी बन जाएंगे, सफलता मिलेगी, शायद ईडी भी बन जाएंगे, सफलता मिलेगी, शायद एसीडी भी बन जाएंगे। लेकिन अगर 10-20 हजार रुपए पर रुक गए तो, ऐसे मेरी टीम में हजारों लोग हैं जो आज से 2 साल पहले भी 10 हजार पर थे, और आज मुझे फक्र है उन पर कि आज भी 10 हजार पर है। शायद वो 8 हजार पर आ गए हो, शायद वो 12 हजार पर आ गए हो, मेंटेन हो रहा है, मेंटेन सही चल रहा है। 3 साल से कर रहा हूं, आगे तरक्की नहीं है, उल्टा अपलाइन को कहते हैं 3 साल से कर रहा हूं, चेक तो बढ़ नहीं रहा। अरे भैया तू अपने अंदर देखना, इतने सारे लोग बढ़ गए, अपनी मीटिंग के बारे में देख, मैं कितनी मीटिंग में आया हूं। तो ये जो 16 लोग हैं फियाज, ये जो 16 लोग हैं उनमें आओगे तो हो सकता है आप 10 हजार नहीं 50 हजार पर रुक जाओ। फिर अपने आप से पूछो, मैं 50 पे पिछले 2-3 साल से क्यों रुका हूं, क्या इस बिजनेस में डाउन नहीं होगी, इनकम होती है, मेरी भी हुई है। लॉकडाउन में एकदम से पीक आया, लॉकडाउन के बाद एकदम से डाउन हुआ, फिर हमारा प्लान चेंज हुआ और डाउन हुआ। हो गया तो हो गया, उसे एक्सेप्ट करो यार, ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, अब वहां से आगे बढ़ना शुरू कर दो। शायद आपको पता नहीं है कि अक्षय दिग्विजय यहां पर बैठे हुए हैं, बता दूं अक्षय दिग्विजय ने पिछले करीबन 7 महीने के अंदर अपनी इनकम शायद 2 लाख बढ़ाई है। तो इनका भी डाउनफॉल आया था, 2-2.5 लाख रुपए इनकम बढ़ा चुके हैं पिछले 7-8 महीने में। और आप किसी भी ग्रुप में हो, इनके आ जाते हैं मीटिंग 1, मीटिंग 2, मीटिंग 3, मीटिंग 4। ये वो व्यक्ति हैं, ये वो लोग हैं, वो लीडर्स हैं जो नीचे तो आते हैं, हार नहीं मानते। सफल वो व्यक्ति नहीं होता जो सफल होता है, सफल वो होता है कि अगर फेलियर मिला भी सही, अगर हार मिली भी एक्सेप्ट ही नहीं करते। आ जा हार, आ जा फेलियर, आ जाए डाउन, चेक आ जाए डाउन, फिर खड़ा कर देंगे, कोई बात नहीं, ये तो पार्ट ऑफ बिजनेस है, हर बिजनेस के अंदर उतार चढ़ाव चलते हैं, इसमें है तो क्या हो गया। तो वो कौन है, वो चार लोगों में, क्या आप 4 में आना चाहते हो? देखो आवाज कम होगी, 400 में से 40 लोग ने तो कहा है, मुझे पता है 400 का 20% कितना होता है, 80 लोग भी ऐसे हो सकते हैं जो 4 में आना चाहेंगे, 400 के 400 नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि यहां भी 20-80 चलेगा। ठीक है, अब मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या आना चाहते हो? आप कहां से आ रहे हो? अभी तो आ नहीं रहे थे। ये अगर आना चाह रहे हो इन 4 में, याद रखिएगा एक चीज, अगली बार D2D में मत आइएगा। अगर अपलाइन बोलता है आओ, तब आप टिकट खरीदोगे। तो अगर 4 में आना चाहते हो तो खुद बोलो D2D कब है, मेरी टिकट बुक करो। अच्छा वीकली मीटिंग कब है, मैं आ रहा हूं। जब तक मजबूरी नहीं है तब तक आपने वीकली मीटिंग में जाना है। मजबूरी तो मजबूरी है, किसी के घर में कोई मजबूरी हो गई या फैमिली में मजबूरी हो गई तो मजबूरी है, कोई बात नहीं। लेकिन तब तक पता नहीं आऊं या नहीं आऊं, एक क्वेश्चन का आंसर मेरे को बहुत सारे लोग देते हैं, बहुत सारे, शायद आ जाऊं। और शायद का मतलब क्या है, अगर जॉब करते हो और बॉस ने कहा कि भैया मीटिंग है, हाँ जी सर आ रहा हूं, मतलब गुलाम हो गए ना हम। अरे मालिक हो तो बोलो मैं आ रहा हूं, मजबूरी होगी तो मजबूरी होगी, देखेंगे वो सब।